ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, किसी का ना हुआ तो बता सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 में कार मूव डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर और हाफ ऑफ द डिस्टेंस 40 पे, सेकेंड हाफ वी पे एवरेज वेलोसिटी 48 है. तो हमने किया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमने एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन किए हुए हैं. ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है कि x by 3 बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 10, अगला 1/3 20, अगला 1/3 60. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, नहीं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस में s by 3 और टाइम में क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू क्या होगी, ये रही पहला टाइम क्या होगा, s by 3 by 10, s by 3 by 20, s by 3 by 60. तो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 छोड़ दो, ये क्वेश्चन की करेक्शन इतनी ज़्यादा है कि पूरा ही नया क्वेश्चन बनाना पड़ जाएगा, छोड़ दो, इसका आंसर नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 सेम हमने क्लास में किया हुआ है, 2v1v2 by v1 plus v2, सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको s गिवन है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द कार एट द स्टार्ट. तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करके पहले क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और टाइम को क्या पुट करेंगे, 0. एट स्टार्ट का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ये रहा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने का मतलब v इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो आप इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू dx बाय dt, तो v इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ x, x की जगह 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. तो डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएगा 0 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आंसर आएगा. उसने कहा बॉडी स्टॉप हो गई, स्टॉप करने का मतलब v इज इक्वल टू 0. तो जब आप v को 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर टाइम का क्या आएगा, 2 सेकेंड. तो यहां से सॉल्व करके टाइम 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे बॉडी स्टॉप हो जाती है, पर आपको तो x निकालना है, तो आप यहां पर टाइम में क्या पुट कर दें, 2 सेकेंड x आ जाएगा. ठीक है यहां तक, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, v 0 करेंगे तो टाइम आएगा और x की वैल्यू में पुट करेंगे. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x गिवन है, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू, इसका आंसर गलत आ रहा है, इसका आंसर a है. तो आप क्या करेंगे, आप इसे डिफ्रेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन को जब 0 पुट करेंगे आंसर a अपॉन जो 3 भी आएगा. तो हाँ नहीं नहीं आएगा, कौन सी क्वेश्चन ऑफ मोशन पुट की, कर ही नहीं सकते, वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ये t स्क्वायर है, मैच ही नहीं कर रही. आपको x को डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के डिफ्रेंशिएट करके a निकालना पड़ेगा. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको s गिवन है, ये वाला, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि आपको x गिवन है ना, तो आप वेलोसिटी निकाल लो dx by dt. तो वेलोसिटी की वैल्यू d by dt ऑफ x की वैल्यू at square minus bt cube. तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, a और b दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो a into differentiation of t square 2t है, b कांस्टेंट है 3t square है, ये आ गया. फिर आप एक्सेलरेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, 2a कांस्टेंट है, dt by dt 1 माइनस 3b कांस्टेंट है, और t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2t, वो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, इसको उठा के 0 कर दो, टाइम निकाल लो, आपके पास आंसर आएगा. ठीक, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में s गिवन है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, आसान है,
इसको डिफ्रेंशिएट करके वी, डिफ्रेंशिएट करके ए, एंड में टाइम को 1 सेकेंड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक बॉडी का एस गिवन है, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो पे काम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी कब, जब एक्सेलरेशन जीरो है, इस बार एक्सेलरेशन को जीरो पुट करके टाइम निकालेंगे, तो इतने टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है तो इतने टाइम की वैल्यू को वेलोसिटी में पुट करके आंसर आएगा। ठीक है यहां तक, तो बेसिक कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको इसमें वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की जब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। मेथड समझ में आ रहा है, देखो जितना मर्जी मैं पढ़ा लूं फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आपके ट्राई करने पे ही है सारा कुछ। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन ये तो मैं अपलोड कर दूंगा उसमें गूगल ड्राइव पे। 11th क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू गिवन है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, एक्स को डिफरेंशिएट करके वी निकाल लो, इस बार वी को जीरो कर दो तो टाइम आ जाएगा, और वी को डिफरेंशिएट करके ए आ जाएगा। आपको ए निकालना है जब वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो कब है, जब टाइम 2 सेकेंड है, तो ए में पुट करो टी 2 सेकेंड आंसर। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर ये एक क्वेश्चन है, कितने लोगों का ये हो गया, हो गया। देखो इसको करते हैं, पार्टिकल मूव्स विद अ डिस्टेंस ऑफ ये एक्स गिवन है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी रेज़ टू पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, या एक्स रेज टू पावर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या -2, जो भी है निकालना है। ठीक, करके देखो। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन है टी प्लस 5 होल रेज टू पावर -1, यही है क्या, चेक करो, यही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या है, dx बाय dt, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t प्लस 5 होल रेज टू पावर -1, -1 पावर है t प्लस 5 की होल रेज टू पावर -2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 5। वो अलग बात है कि ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाती है -1 बाय टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, v आ गया। अब एक काम करते हैं, a निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाय dt, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, -1/t+5 का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -d/dt ऑफ t+5 रेज टू पावर -2। पावर रूल लगाते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 पावर नीचे t+5 होल रेज टू पावर -3, वो आगे तो d/dt 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी +2/t+5 का होल क्यूब। ठीक है, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, अब हम ये भी सीख सकते हैं ना कि सर ये स्टेप कैसे आया, बताना जरा, तभी तो कैलकुलस सबसे पहले स्टार्ट कराया जाता है, कहीं भी आ जाएगा ना ये तो, राइट। ठीक है यहां तक, अब आपको ये बताना है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किसके है। जब वर्ड प्रोपोर्शनल आता है ना, तो उसमें इक्वल टू हटा सकते हो, कांस्टेंट भी हटा सकते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी पे क्वेश्चन है, तो आप ऐसा बोल सकते हो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/t+5 का होल क्यूब, ना कांस्टेंट चाहिए ना इक्वल टू चाहिए, राइट। उसी तरीके से आप यहां भी बोल सकते हो, यहां से वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/t+5 का होल स्क्वायर, ना माइनस चाहिए ना कांस्टेंट चाहिए, हटा दो, राइट, क्लियर है। तो अब इसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/t+5 का स्क्वायर इंटू 1/t+5, ऐसे कर ले, होल क्यूब है ना, क्योंकि चलेगा। अब मुझे ये पता है कि ये जो टर्म है ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी, तो यहां पर क्या जाएगा, v, और ये टर्म क्या बनेगी, वेलोसिटी का अंडर रूट,
वन अपॉन टी प्लस फाइव क्या बनेगा, वेलोसिटी का अंडर रूट, तो इसकी जगह क्या आएगा, वेलोसिटी का अंडर रूट। भाई जब वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर है, तो वन प्लस वन अपॉन टी प्लस फाइव स्क्वायर इधर जाएगा रूट वी, तो यहां पर क्या आ गया रूट वी। अब ये बताओ कि इसकी पावर वन इसकी हाफ, तो क्या बनेगा रेज टू पावर, तो मार्क कर लेना एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज टू पावर थ्री बाई टू। टेंथ में